नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज, खबर पटना सिटी से है। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के जीरो माइल स्थित श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड में 5 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट करने पहुंचे। जब कंपनी में पैसा नहीं मिला तो बौखलाए लुटेरों ने ग्राहक एवं कंपनी के कर्मचारी से लाखों रुपए की लूटपाट की। लूट की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची सिटी एसपी समेत कई पुलिस पहुंची, जहां सीसीटीवी में कैद घटना को जांच कर रही है। घटना की पुष्टि करते हुए सिटी एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि 5 की संख्या में आए अपराधियों ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी में लाखों की लूटपाट हुई है। मामले की जांच की जा रही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड है, यहाँ पर जो है कुछ अपराधी जो है ऑफिस में जो है घुसे। इनके पास तो कैश नहीं था, परंतु कुछ कस्टमर्स थे, किसी के पास 20,000, 30,000, और जो उनके एम्प्लाई हैं उनके पॉकेट में जो कुछ पैसे थे वो सब पैसे की लूट की। जो टोटल जो जोड़ कर आ रहा है उसमें 2,80,000 रुपये जो है इनके द्वारा बताया जा रहा है। बाकी जो है हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। कितने संख्या में थे सर इसमें? जो अभी प्रथम दृष्टिया जो दिख रहा है उसमें 4-5 लोग दिख रहे हैं, बाकी अनुसंधान में आएगा। लूट बताया जाएगा कि डकैती? ये नहीं, घायल नहीं है इसमें। जो अभी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लूट हो या डकैती हो, लूट ही है, डकैती है, बात बराबर है। इसी हाँ, 4 या 5 जो दिख रहा है अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। हम लोग सब बैठे अपना काम कर रहे थे, कुछ लोग खड़े थे, उधर से आया बहुत सारे 5-6 लोग थे, सारे का हाथ में बंदूक था। और उसके बाद सबको डराने लगे कि कैसे, मतलब कहाँ है, निकालो। हम लोग और सब गेट उठ सब वहाँ पे खड़ा हो गया, कुछ लोग खड़ा हो गए वहाँ पे कि जो भी गेट से आएंगे उनको भी रोक दिया जाएगा। और उसके बाद बीटीएल सर को बोलने लगा कि चाबी दो, कहाँ है, खोलो, कहाँ पे, कैसा है। एक चाबी मेरे पास था, मैं वहाँ से निकाली थी, तो एक आया यहाँ पे, मेरा हाथ घिस के लेकर जाने लगा, चलो जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। फिर हम लोग वहाँ पे जाके बीटीएल सर को मैंने चाबी दिया, फिर बीटीएल सर ले जा करके वहाँ पे खोल के जब दिखाया तो उसमें कैश था ही नहीं। कल हम लोग शाम में ही सीएमएस को कैश दे दिए थे, तो कैश नहीं था। तो उसके बाद गुस्सा होकर सर को उनको सर पे वार कर दिया, तो यहाँ पे उनका खून निकलने लगा। फायर भी किया, फायर एक लड़के पे किया था फायर, तो उसका गोली निकल के गिर गया था नीचे। उसके बाद वो उसके बाद बहुत देर तक सबको बोला कि कैश कहाँ है, सारा ड्रॉवर यहाँ वहाँ सारा जगह पे खोल के देखा, कहीं कुछ तो मिला नहीं। तो फिर लास्टली क्या किया कि सबको बोला कि सब ने अपने पर्स से कैश निकाल के दीजिए। फिर किसी का पैसा तो बोला कि सिर्फ पर्स में से पैसे निकाल के दीजिए, सबका पैसा लिया। फिर सबको बोला कि मोबाइल अपना अपना डाल दीजिए बैग में, एक बैग रखे हुए था, सबका मोबाइल उसमें कलेक्ट करवाया। और फिर साथ में बोला कि चाबी दे दीजिए, बंद करेंगे, लॉक करेंगे और उस साइड रख देंगे मोबाइल, वहाँ से ले लीजिएगा। फिर सबको वैसे ही डरा धमका के वहाँ तक गया, फिर गेट बंद कर दिया और हम लोग को अंदर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उधर मोबाइल वाला बैग छोड़ के भाग गया। कहाँ पे डकैती करने के लिए आया था, क्या कंपनी का नाम है? श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, पहाड़ी ब्रांच, पटना 1 ब्रांच है ये श्रीराम का। ठीक है, अपना परिचय? मेरा नाम सोनिका कुमारी है, मैं यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव हूँ, कैशियर का काम भी मैं ही करती हूँ।